प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताबुन क्या है? जामियतुल मुफ्लिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदी से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना हुकूमत ने 17 सितंबर से 10 दिनों तक रियासत भर में प्रजा पालाना प्रोग्राम मुनक़िद करने का किया ऐलान। नए राशन कार्ड और हेल्थ कार्ड से मुतालिक दरख्वास्तें हासिल की जाएंगी, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का बयान। रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरीट में तेलंगाना तली के मुजस्मे का रखा संग बुनियाद। राजीव गांधी का मुजस्मा सेक्रेटरीट के रूबरू नसब करने के हुकूमती फैसले का भी किया दिफा। जेल से बाहर आने के बाद बीआरएस एमएलसी कविता अशकबार पार्टी कायदीन और अरकान खानदान से जज्बाती मुलाकातों का सिलसिला जारी। हैडरा के कमिश्नर रंगनाथ ने आज खुदबुल्लापुर का किया दौरा। हैडरा की जानिब से जारी कार्रवाइयों पर हलचल जारी। वक्फ तरमीमी बिल 2024 के बारे में आवाम, गैर सरकारी तंजीमों, एनजीओज और माहरीन के अलावा मुतालिका फरीकों और इदारों से तजावीज तलब। पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी ने दिया लोगों को राय भेजने का इख्तियार। और काबिज़ व ज़ालिम इसराइली फ़ौज की जानिब से रफा पर हमलों को जंगी जुर्म करार देते हुए इसकी जांच की जाए, इंसानी हकूक़ की बैनुल अक़वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किया मुतालबा। हेडलाइंस हमने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की बड़ी खबरों से। तेलंगाना हुकूमत ने 17 सितंबर से 10 दिनों तक रियासत भर में प्रजा पालाना प्रोग्राम फिर एक मरतबा मुनक़िद करते हुए नए राशन कार्ड्स और हेल्थ कार्ड से मुतालिक दरख्वास्तें हासिल करने का फैसला किया। सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इजलास मुनक़िद करते हुए प्रजा पालाना प्रोग्राम के सिलसिले में जायजा लिया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि तमाम अहल खानदानों को नए राशन कार्ड और हेल्थ कार्ड जारी करने के लिए इस मरतबा प्रजा पालाना प्रोग्राम मुनक़िद होगा और नए राशन कार्ड और हेल्थ कार्ड जारी भी किए जाएंगे। राशन कार्ड से हेल्थ कार्ड का कोई लिंक नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रजा पालना प्रोग्राम के जरिए हर खानदान से तफसीलात हासिल की जाएंगी। रियासत भर के तमाम मवाजियात वार्ड्स में प्रजा पालना प्रोग्राम मुनक़िद करने के लिए तमाम तैयारियां करने की अहदेदारों को हिदायत दी गई है। इस इजलास में चीफ मिनिस्टर के अलावा वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर आला अहदेदारान और हुक्काम भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने राजीव गांधी का मुजस्मा सेक्रेटरीट के रूबरू नसब करने का हुकूमती फैसले का दिफा किया। उन्होंने कहा कि माहरीन और काबिल लोगों की तजावीज़ की बुनियाद पर साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी का मुजस्मा सेक्रेटरीट के रूबरू नसब करने का हुकूमत ने फैसला किया। याद रहे कि आज रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरीट में तेलंगाना तली के मुजस्मे का संग बुनियाद रखा। इस मुजस्मे की नकबकुशाई 9 दिसंबर 2024 को होगी। 9 दिसंबर 2009 को उस वक्त के मरकजी वजीर फाइनानस पी चिदम्बरम ने मुतहदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना की तश्कील का ऐलान किया था। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो खुद को खुशकिस्मत समझते हैं कि वो इस मुजस्मे का संग बुनियाद रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब रियासत में कांग्रेस इख्तदार में आई तो उसने प्रगति भवन को प्रजा भवन में तब्दील किया और सेक्रेटरीट को आम लोगों के पहुंच के काबिल बनाया गया है। पक्कन अमरवीर स्तूपम तेलंगाना कोसम अमरलैते सचिवालय के अमरवीर स्तूपा के मध्य देश अमरुडैन राजीव गांधी गारी विग्रहम उंडाली। ఎందుకంటి మాజీ ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ గారి విగ్రహం, పివి నరసింహారావు గారి విగ్రహం, వారితో పాటు రాజీవ్ గాంధీ గారి విగ్రహం ఉండాలని మేధావుల సూచన మేరకు ముందలో ఉన్న పార్క్ కొంతమంది వ్యక్తులు వాళ్ళ కోసం ఆ స్థలాన్ని పక్కన పెట్టి వాళ్ళకి కావాల్సినప్పుడు విగ్రహం పెట్టుకోవాలని ఆలోచన చేస్తే దేశం కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చిన రాజీవ్ గాంధీ గారి విగ్రహాన్ని మేము అక్కడ పెట్టడం జరిగింది। बीआरएस एमएलसी दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर आ गई हैं। जेल से रिहाई के बाद वो जेल के पास अपने अरकान खानदान पार्टी के अरकान और कायदीन को देखकर अश्कबार हो गई। उन्होंने कहा कि वो केसीआर के दफ्तर है, उनसे गलती हो नहीं सकती। कविता ने भी कहा कि उन्होंने 5.5 महीने जेल में गुजारे। उन्होंने इंतबाह दिया कि उनके और उनके अरकान खानदान को मुश्किल से दो चार करने का जवाब दिया जाएगा। आज एक नया वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें केटीआर और कविता को मुस्कराते हुए एक दूसरे से बातचीत करते देखा जा सकता है। दौरान हैदराबाद एयरपोर्ट पर कविता का इस्तकबाल करने के लिए सैकड़ों हामी पहुंच गए थे, जहां एक हुजूम देखा गया। ఎవరి గురించి చెప్తే అవసరం లేదు, ఎవరి గురించి చెప్తే అవసరం లేదు, మనము నేను తెలంగాణ బిడ్డను
నేను కేసీఆర్ పుట్టను, నేను తప్పు చేసే ప్రసక్తే లేదు. నేను మొండి గారిని మనిషి గారిని అనవసరంగా జైలుకు పంపి నన్ను జగమొండిన చేసిండ్రు. ఇంకా ప్రజాక్షేత్రంలో గట్టిగా పనిచేస్తాం, కమిట్మెంట్ తో పనిచేస్తాం, అందరితో కూడా నిలబడి ఉంటామని తెలియజేస్తున్నాం. దే ఆర్ ఆల్వేస్ టచ్, వి ఆర్ ఫైటర్స్, వి విల్ ఫైట్ ఇట్ అవుట్ లీగలీ, వి విల్ ఫైట్ ఇట్ అవుట్ పొలిటికలీ. దే ఆర్ ఆల్వేస్ టచ్ బై సెండింగ్ అస్ టు జైల్ ఇల్లీగలీ. దే ఓన్లీ మేడ్ పిఆర్ఎస్ అండ్ కేసీఆర్ టీమ్ అన్బ్రేకబుల్. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. జై. कांग्रेस के सीनियर लीडर हनुमंतराव ने कविता की रिहाई पर अपना रद्देअमल जाहिर किया. उन्होंने कहा कि सीबीआई ने जमानत की मुखालिफत क्यों नहीं की. उन्होंने भी कहा कि अदलिया का फैसला सबके लिए काबिले एहतराम होता है. आइए देखते हैं हनुमंतराव का ये रद्देअमल. बीआरएस लीडर डॉक्टर राव के चंद्रशेखर राव लीकर स्कैम ऑलरेडी सीबीआई फाइनली गॉट बेल. The law will take their own course, but when I can comment, because it is a right or wrong, the scam was there, inquiry was conducted. Today they are releasing it, previous also, Sisodia also released, and Aam Aadmi government chief minister also they released. Like that release. Only my comment it will come, whether she is involved in leaker scam, final decision we can comment. Any law, everybody is equal. So that's why release is there, because the CBI is not objected. She got the release. They are inquiring everything. Whatever the truth will come, then at that time my comment will be there. Because whether there is adjustment with BRS and BJP, I can't understand. But I can't say, but there is some, everybody is saying that the BRS is adjusted with BJP. So that's why they have given a bail. But law have got their own way. Law, everybody's law is equal. Why CBI was not objected, that is the point. Final decision will come, definitely I will comment. It is a, really she is involved or not involved. The judiciary will give a judgment. At that time I will say that. Today there is everybody's feeling BRS was adjusted with BJP, that's why this she has given. It is everybody's feeling, that I can say that. I am also feeling by us several times she rejected her bail. Today they have given a bail, that's why everybody has a doubt about BRS and BJP. कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम लगाया कि एमएलसी के कविता की जमानत पर रिहाई से बीजेपी में बीआरएस के इंजमाम की राह हमवार होगी. प्रदेश कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट और एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि केटीआर और टी हरीश राव ने दिल्ली में बीजेपी कायदीन के साथ खुफिया मुलाकातें की जो मुआहदे का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी और बीआरएस तेलंगाना में बरसरे इख्तदार कांग्रेस को निशाना बनाना चाहते हैं. ఇది మేము ముందు నుంచి ఊహించుతుందే, ఊహించి చెప్తున్న మాటనే. ఇన్నాళ్ళు బెయిల్ రాకుండా ఉన్నటువంటి కండిషన్స్ ఇప్పుడు ఎందుకు నిర్వీణం అయిపోయినాయి, ఎందుకు బెయిల్ వచ్చింది అనే అంశం లోతుగా ఆలోచించినప్పుడు మీకు మాకు అర్థం కావాల్సింది. బీజేపీలో బీఆర్ఎస్ విలీన ప్రక్రియ ఈ బెయిల్ ద్వారా మొదలైందని చెప్పొచ్చు. మేము ముందు నుంచి చెప్తా ఉన్నాం, గత పదేళ్లుగా బీజేపీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ చీకటి ఒప్పందంలో ఉన్నారు. అన్ని కూడా కూడబలుపుకొని వారు కార్యక్రమాలు చేసినారు. ఇవాళ కవితకి లభించిన బెయిల్ ద్వారా అర్థమయ్యేది ఏంటంటే బీజేపీలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ విలీనమైనటువంటి ప్రక్రియ మొదలైంది. ఇది బాహటంగా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒకటై ముందుకు వెళ్ళ నిర్ణయించుకున్న దరిమిలానే ఈ బెయిల్ వచ్చింది. ఢిల్లీలో కేటీఆర్ గారు, హరీష్ రావు గారు పలు దఫాలుగా బీజేపీ సీనియర్ నాయకులతో జరిపిన చర్చల ఫలితంగానే ఇవాళ ఈడీ ఉదాసీనంగా బెయిల్ రావడానికి దోహదపడింది. సో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాల్సింది, ఈ రాష్ట్రంలో అధికారులంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి, రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వానికి ఇబ్బందులు పెట్టడానికి బీజేపీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడగలుపుకుని ముందుకెళ్తున్న తరుణంలోనే ఇవాళ ఈ కవిత గారికి బెయిల్ అవడం జరిగింది.
और बढ़ते हैं दूसरी खबरों की जानिब। हैडरा के कमिश्नर रंगनाथ ने आज खुतबुल्लापुर का दौरा किया। इत्तला के मुताबिक फॉक्स सागर लेक के करीब 15 मकामात से शिकायत मौसूल हुई, जिसके बाद हैडरा कमिश्नर ने आज ये दौरा किया है। याद रखें इन दिनों हैडरा की जानिब से लेक्स और आबी जखायर पर तामीर करदा इमारतों को ढाने का काम जोर शोर के साथ जारी है और बड़े पैमाने पर इसको लेकर हलचल मची हुई है। तेलंगाना सीपीआई के सिक्योरिटी और रुकन असम्बली सांबा सिवाराव ने मुतालबा किया कि हुकूमत तालाबों की अराजियात पर गैर मजाज कब्जों के जरिए तामीरात पर फौरी तौर पर वाइट पेपर जारी करे। उन्होंने तालाबों और झीलों की अराजियात पर मकानात की तामीर की इजाज़त देने वाले अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया और कहा कि वह तालाबों की बहाली चाहते हैं। उन्होंने तजवीज़ दी कि हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स एसेट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हैडरा फहरिस्त को जारी करे कि हैदराबाद के जुड़वा शहरों में कितने तालाबों और झीलों की अराजियात पर गैर मजाज कब्जे करते हुए मकानात तामीर किए गए, इसकी तफसील सामने लाई जाए। सीपीआई लीडर ने कहा कि तालाबों और झीलों की अराजियात पर गैर मजाज तामीर करने वालों का हैडरा से खौफजदा होना एक फितरी बात है। साबिक वजीर और एमएलसी पी महेंद्र रेड्डी ने इस बात की वजाहत की कि उनका हिमायत सागर में फार्म हाउस पट्टा अराजी पर कायम है। उन्होंने दावा किया कि तमाम कवायद व जवायद की बुनियादों पर ही उन्होंने फार्म को तामीर करवाया और उन्हें हैडरा की जानिब से कोई नोटिस मौसूल नहीं हुई है। इरिगेशन ईगारो आ रूल प्रकार अपने कलेक्टर गारे अने को मंदिर महेंद्र रेड्डी गार चर कटे रूम राव అప్పటి కలెక్టర్ గారితో కూడా మాట్లాడి సర్వే చేయించేసి ఎక్కడైతే రూల్ ప్రకారం కట్టని అక్కడనే ఆ బిల్డింగ్ కట్టుకోవడం జరిగింది. అది చిన్న బిల్డింగ్, అది ఒకవేళ తప్పని తెలిసి ఒకవేళ నిజంగా రూల్స్ వ్యతిరేకం ఉంటే మరి ప్రభుత్వం ఏదైతే చేస్తున్నదో దానికి తప్పకుండా సహకరించి మేమే దాన్ని తీసేస్తాం. ఇలా 5లో పర్మిషన్ తీసుకొని మరి కట్టడం కూడా జరిగింది. మేము రైతు కుటుంబానికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళము. శంషాబాద్ షాబాదు మా సొంత గ్రామం, అది పోతూ పోతూ మరి అప్పట్లో పట్ట ల్యాండ్ తీసుకొని అక్కడ తోట కూడా పెట్టడం జరిగింది. మామిడి తోట ఉన్నది, అక్కడ ఆవులు బల్లు కూడా పెంచుతాం. అక్కడ మరి అక్కడ చాలామంది పనులు ఉన్నారు. అక్కడ వరి పంట కూడా వేసినమాట. మరి అక్కడ ఏదైతే మా బిల్డింగ్ చూపిస్తున్నారో అదే అంగుళ్ళు ఆర్బాట లేకుండా చిన్నగా మేము కట్టుకోవడం కూడా జరిగింది. అది కానీ అప్పట్లో మరి నేను పొలిటికల్ ఉన్నా కాబట్టి మరి ఎప్పటికైనా ఇది తప్పులు చేయదనే ఉద్దేశంతో ఆనాటి ఇరిగేషన్ ఇంజనీర్లను పిలిచి రూల్ ప్రకారంగా నేను అది బిల్డింగ్ కట్టడం కూడా జరిగింది. అయితే అక్కడ నీళ్ళు రావడం వల్ల కంపౌండ్ కాలి కట్టి ఉంటే నిజంగా కూడా మేము దాన్ని కబ్జా చేసుకున్న వాళ్ళం అవుతాము. మీరందరూ కూడా వచ్చి చూడండి, కంపౌండ్ వాల్ లేదు ఏం లేదు. ఔర్ అబ్ లేతే ఛోటా సా బ్రేక్, బ్రేక్ కే బాద్ దుబారా హాజిర్ హోంగే. जामियतुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स, नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाजिरा व हिफ्स और आलिमियत कोर्स के साथ। इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्स। हमारे ब्रांचेस कोतापेट, बारापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीनों दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। सियासत टीवी की न्यूज बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। हनमकुंडा जिले में सरकारी प्रोग्राम में रियासती गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रवानिया ने दिया, जिसमें वरंगल के तारीखी मंदिर, मकामात, पार्क्स, कौमी शाहराओं, स्मार्ट सिटी, मरबूत कमांड कंट्रोल सेंटर, तालीम, तिबी खिदमात, खवातीन की सेल्फ हेल्प सोसाइटीज़, इंदिरा महिला शक्ति कैंटीन और दीगर प्रोग्रामों की तफसीलात से गवर्नर को वाकिफ किया गया। इस मौके पर गवर्नर ने इसकी बगौर समाअत की और गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने सिलसिले में सवालात भी किए। हमारे वरंगल के नुमाइंदे इस्माइल जबी के मुताबिक इस मौके पर तेलंगाना गवर्नर ने अपनी जानिब से तजावीज भी पेश की। फर्दर एंड एंश्योर दैट मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम देयर टू लर्न अबाउट द वेरियस इक्विपमेंट व्हिच इज प्लेस्ड देयर। सर, सिंस मेजॉरिटी ऑफ द एरिया इज कवर्ड अंडर GWMC एंड द अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, आई विल गो थ्रू द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड द GWMC सर। सो फर्स्ट इज द स्मार्ट सिटी मिशन। दिस वाज
Warangal is a smart city and it was launched in 2016, whereas the actual work started in 2018-19, sir. It is a 1,000 crore project, of which 500 crores is given by Government of India, 500 crores is from the state government. So as on today, we have a utilization of about 518 crores, and we have achieved more than 50% of the utilization. And we have this one final year to complete all the remaining projects, and we are trying to expedite. Better to shift to solar power for irrigation. It has a very nice component. One is a standalone pumps you will get. Second is that you solarize your electric pumps. The existing electric pumps you can solarize. Is that correct? You can solarize your electric pumps. So that is another component of PM Kusum. The other one is that farmers together can form a cluster. Some pockets already were established, sir. So what Modi ji said, from Annadata to Urjadata. From Annadata, from giving food givers to producing power. So that, farmers can form a cluster and they use these pumps to generate power and sell it to the DISCOM. They can also become power generators. So these are very nice programs, but only thing that 50-50 is a little steep. So in Tripura, we have to subsidize it because we have a lot of tribals in Tripura and very small marginal farmers. Same thing. So that is again. Yes. So these are sustainable development goals, yes, which you will have to follow today, tomorrow, whatever it is, you will have to do it due to climate change or the situation will compel you to do it. As you grow, Warangal grows, development will take place, medical colleges will be built, schools will be built, but how to make that development sustainable. And in Telangana now, coming back to Telangana, I was very impressed by Vaikunth Dham. मरकजी और रियासती हुकूमतों के मुलाजमीन के हाल ही में मंजूर करदा यूनिफाइड पेंशन स्कीम से साउथ सेंट्रल रेलवे के तकरीबन 63,000 मुलाजमीन को फ़ायदा होगा। प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर पी किशोर बाबू ने यह बात बताई। याद रहे कि हाल ही में मोदी हुकूमत ने इस स्कीम को लॉन्च किया है और रियासतों को भी अख्तियार दिया गया है कि वो चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शहर हैदराबाद में अपोलो हॉस्पिटल्स ने अपनी 36वीं सालगिरह मनाई। इस मौके पर हॉस्पिटल्स के अहाते में तकारीब का अहतमाम किया गया। अपोलो के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर संगीता रेड्डी और नायब सदरनशीन उपासना कामिनीनी कोनीडेला ने तकरीब में शिरकत की। चिराग रोशन करते हुए तकरीब का आगाज किया गया और फिर कल्चरल प्रोग्राम भी इस मौके पर पेश किया गया। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर के श्रीवास रेड्डी ने मधुरा नगर पुलिस स्टेशन के 3 कांस्टेबलों को मुअत्तल कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक कांस्टेबल एक स्पा सेंटर से माहाना रिश्वत वसूल कर रहे थे और स्पा में लड़कियों के साथ गैर अखलाकी हरकत में भी मुलविस थे। शिकायत के बाद पुलिस कमिश्नर ने जाँच की और CCTV शवाहद की बुनियाद पर कांस्टेबलों को मुअत्तल करने की कार्रवाई अंजाम दी गई है। और अब आइए नाज़िर करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी ख़बरों की जानिब। वफ़ तरमीमी बिल 2024 के बारे में पार्लियामेंट की जॉइंट कमेटी ने आवाम, गैर सरकारी तंजीमों, NGOs, माहरीन, मुतालिका फरीकों और इदारों से उनके नज़रियात और तजावीज़ तलब की हैं। लोकसभा सेक्रेटरेट से जारी करदा बयान में कहा गया कि कमेटी को तहरीरी तजावीज़ भेजने के ख्वाहिशमंद अफराद लोकसभा सेक्रेटरेट के जॉइंट सेक्रेटरी को अंग्रेज़ी या हिंदी में 2 कापियाँ इरसाल कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल भी किया जा सकता है। ये तजावीज़ इस खबर की इशाअत की तारीख से 15 दिन के अंदर अंदर पहुंच जानी चाहिए। वफ तरमीमी बिल को, जिसे बजट इजलास के दौरान लोकसभा में पेश किया गया, जायजे की गर्ज से पार्लियामेंट की जॉइंट कमेटी के पास भेजा गया है। यह कमेटी इस साल पार्लियामेंट के सरमा इजलास के पहले हफ्ते के आखिरी दिन ऐवान में इस बिल के बारे में अपनी रिपोर्ट देगी। वाजिर है कि इस बिल के खिलाफ अखिलतों में बरहमी है और इसकी शिद्दत के साथ मुखालफत की जा रही है। मोदी हुकूमत की नीयत साफ नहीं है, चाहे मुल्क के नाम का मामला हो या ब्रॉडकास्ट बिल। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने यह बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मोदी हुकूमत इंडिया इत्तेहाद से खौफजदा है। अब नाम बदलने तो आज से थोड़े बदल रहे हैं, तो हर बार बदल रहे हैं। ये तो भारत का नाम बदलने को आमादा थे, इंडिया से भारत ही करना है, इंडिया अभी पसंद नहीं आता है, तो इनकी बात छोड़िए। रही बात इनके नए जो कैबिनेट ने जो कल अप्रूवल दिया है, ब्रॉडकास्ट बिल भारत सरकार को पीछे हटना पड़ा इंडिया गठबंधन के दबाव के चलते। और इसमें भी हमारे मन में कई सवाल हैं कि आप देश विरोधी टिप्पणी किसको मानेंगे? भाजपा विरोध के विरोध में कोई टिप्पणी हो या भाजपा के नेता के विरोध में कोई टिप्पणी हो, क्या आप इसको राष्ट्र विरोधी मानेंगे? तो आप किस चीज को गलत मान रहे हैं, किस चीज को सही मान रहे हैं, ये बताइए, स्पष्ट कीजिए। एक आपसे सवाल ले लेता हूं।
अनर्गल टिप्पणी है और ये आजकल अनर्गल टिप्पणियों के लिए ही जाने जाते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा नए नए संघ में गए हैं, भाजपा में गए हैं, तो उनको अपनी वफादारी साबित करने के लिए संघ के प्रति ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। करने दीजिए मेहनत, लेकिन भूल जाते हैं वो कि उन्होंने संविधान की शपथ ली है। हमने अभी चुनाव के दौरान उन्हें संविधान की एक कॉपी भी भेंट की थी, पढ़ी नहीं लगता उन्होंने। तो हम चाहते हैं कि वो एक बार संविधान को फिर से पढ़ लें, उसके बाद इस तरह की टिप्पणियां करें। इंसानी हकूक की बैरुल अक्वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने काबिज इसराइली फौज से गजा पट्टी के जनूबी शहर रफा पर हुए हमलों को जंगी जुर्म करार दिया और इसकी आलमी सतह पर तहकीकात कराने का मुतालबा किया। आज सिर्फ मगरबी किनारे में इसराइली जालिम फौज की कार्रवाईओं में मजीद 9 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। पेश है इस हवाले से सियासत टीवी की ये तफसीली रिपोर्ट। इंसानी हकूक की बैनुल अक्वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने काबिज इसराइली फौज से गजा पट्टी के जनूबी शहर रफा पर हुए हमलों को जंगी जरायम करार देते हुए इनकी आलमी सतह पर जांच का मुतालबा किया। एमनेस्टी ने जोर दिया कि काबिज इसराइल शहरियों को पहुंचने वाले नुकसान से बचने या कम करने के लिए मुमकिन एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने में नाकाम साबित हुआ। इसने रफा में किसी हिफाजती मनसूबे के बगैर अंधाधुन बम्बारियाँ की, जिसकी वजह से हजारों फलस्तीनी शहीद और जख्मी हुए हैं। इनमें ज्यादातर बच्चे और खवातीन हैं। तंजीम ने इस बात पर भी जोर दिया कि काबिज इसराइल शहरियों के तहफ़ के लिए अपनी बैरुल अक्वामी जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। उसने गुज़िश्ता मई में रफा शहर पर ज़मीनी हमले के आगाज के बाद से रफा में नकल मकानी करने वाले अफराद के कैंपों को निशाना बनाया और इसके खिलाफ वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों का बेदरिग और अंधाधुन इस्तेमाल किया है। एमनेस्टी ने जोर देकर कहा कि शहरियों और बेघर अफराद से भरे इलाकों पर काबिज़ फौज की जानिब से हमलों में ज़्यादा तबाही फैलाने वाले बमों का इस्तेमाल बैनुल अक्वामी जंगी खवानीन की सरीह खिलाफ वर्जी है। शहरियों को ऐसे मोहलिक हथियारों से निशाना बनाने से उन्हें वसी नुकसान पहुँचा है। तंजीम ने कहा कि बैनुल अक्वामी कानून ऐसे हमलों की ममानियत करता है जो फौजी और शहरी अहदाफ के दरमियान फर्क नहीं करते। काबिज़ फौज ने फलस्तीनी मुजाहमतकारों को निशाना बनाने के बहाने उन इलाकों पर बम्बारियां की जिन्हें खुद इसराइल ने सेफ जोन करार दिया था। इस दौरान आज मिली ताज़ा इतलात के मुताबिक सिर्फ मगरबी किनारे में इसराइली जालिम फौज की कार्रवाईओं में 9 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। बलूचिस्तान में कल अदम अलहदगी पसंद तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन का ऐलान किया। बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बख्टी के मुताबिक इन हमलों में 38 शहरी हलाक हुए। दूसरी जानिब पाकिस्तानी फौज ने कहा कि जवाबी कार्रवाईओं में 21 शिद्दत पसंद हलाक हुए, जबकि ऑपरेशन के दौरान 14 फौजी अहलकार भी हलाक हुए हैं। इन हमलों में सबसे बड़ा हमला बलूचिस्तान के ज़िला मूसा खेल में हुआ, जहाँ शिद्दत पसंदों ने 22 लोगों की शनाख्त करने के बाद उन्हें बस और ट्रकों से उतार कर मौत के घाट उतार दिया। खत्ते में शिद्दत पसंदी के मौजूद पर तहकीक करने वाले मुहक्किकीन ने कहा है कि बलूचिस्तान में हुई कार्रवाईओं का ताल्लुक नवाब अकबर भट्टी की 18वीं बरसी से था। इस दौरान चाइना ने बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों की सख्ती के साथ मजम्मत की है और पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी तआवुन बढ़ाने का भी ऐलान किया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। तेलंगाना हुकूमत ने 17 सितंबर से 10 दिनों तक रियासत भर में प्रजा पालना प्रोग्राम मुनक़िद करने का किया ऐलान। नए राशन कार्ड और हेल्थ कार्ड से मुतालिक दरख्वास्तें हासिल की जाएंगी, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का बयान। रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरीट में तेलंगाना तली के मुजस्मे का रखा संग बुनियाद। राजीव गांधी का मुजस्मा सेक्रेटरीट के रूबरू नसब करने के हुकूमती फैसले का भी किया दिफा। जेल से बाहर आने के बाद BRS MLC कविता अशकबार पार्टी कायदीन और अरकान खानदान से जज्बाती मुलाकातों का सिलसिला जारी। हैडरा के कमिश्नर रंगनाथ ने आज खुदबुल्लापुर का किया दौरा, हैडरा की जानिब से जारी कार्रवाईओं पर हलचल जारी। वक्फ तरमीमी बिल 2024 के बारे में अवाम, गैर सरकारी तंजीमों, NGOs और माहरीन के अलावा मुतालिका फरीकों और इदारों से तजावीज़ तलब। पार्लियामेंट की जॉइंट कमेटी ने दिया लोगों को राय भेजने का इख्तियार। और काबिज व जालिम इसराइली फौज की जानिब से रफा पर हमलों को जंगी जुर्म करार देते हुए इसकी जांच की जाए, इंसान हकूक की बैनुल अक्वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किया मुतालबा। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही खत्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाजत दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।
प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन को पेश करने में ताबुन क्या है? जामियतुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियतुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाजिरा वो हिफ्स और आलिमियत कोर्स के साथ। इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साल आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्स। हमारे ब्रांचेस कोतापेट, बारापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।